नितेश और सुमित सुरेश का। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ और आज इस खास ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे ऑफिस का काम करते हैं और कैसे हम किसी नेता का इंटरव्यू लेते हैं। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ स्टार्ट टू एंड। अभी वी आर गोइंग टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ नेता प्रतिपक्ष ऑफ उत्तराखंड। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे भी मेरा इंटरव्यू देखिए। सो राइट नाउ अभी हम अपनी सवारी लेके निकल चुके हैं इंदिरा हृदयेश के घर की ओर और मेरी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी रेडी है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेने में क्या क्या क्वेश्चन मुझे दे उनसे पूछने हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि मेरे इंटरव्यू में क्या कुछ खास रहता है और आपको कैसा लगता है जरूर बताना। तो लेट्स गो। सो वेरी इज हियर और अब हम इंदिरा हृदयेश और सुमित हृदयेश वो उनका टॉमी उधर है जिनका इंटरव्यू लेंगे। सो कैच मी लेटर। तो अभी हम इंदिरा हृदयेश के घर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश है, हाय बोलिए। हेलो, ये हमारे कैमरामैन हैं और आज हम क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर उसके मद्देनजर इंटरव्यू करने वाले हैं। कांग्रेस से सवाल जवाब करेंगे। आपके क्या क्या सवाल हैं आप भी जरूर कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके सवालों को उठा पाऊँ। तो चलिए देखिए इंटरव्यू कैसा रहता है। तो सेट इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर हो रही है। अभी हमारे कैमरा पर्सन जो है वो कैमरे को लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो बस अब कैमरा ये सेट हो रहा है और इसके बाद हम नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद सुमित हृदयेश का भी इंटरव्यू किया जाएगा। तो आप देखिए फिलहाल तैयारी चल रही है इंटरव्यू की। हाँ सर, चल रही है, रोज चल रही है स्टोरीज। तो अब लोग मानने को तैयार नहीं, क्या करें जी। बिल्कुल, अब तो दोबारा आ गई, दोबारा हो गया रिपीट, दूसरा फेज चल रहा है। उस तरफ उससे वो देखो बाहर से धूप आ रही हो, फिर विंडो से जो लाइट आ रही है वो चेक करो ना जहाँ पर लाइटिंग है। मुझे बता दो, मैं बैठ जाती हूँ ताकि आप अपना कैमरा सेट कर लें, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, इस सोफे में हो जाएगा। कोई पार्टी आ जाए, एक आदौर नहीं आ रहा है क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होगी। तो हम और जो पार्टियां लड़ रही हैं उनकी से आने से हमको कोई फर्क नहीं। चलिए मैम, आपने कहा कि जो सीधी सीधी लड़ाई होगी वो बीजेपी और कांग्रेस में होगी। हाँ। लेकिन मैम, जो धरातल पर जो स्थितियाँ दिखाई पड़ रही है वो सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और कांग्रेस में ही दिखाई पड़ रही है, अंदर खाने लड़ाई दिखाई पड़ रही है। इस पर क्या कहेंगे? कोई लड़ाई नहीं है, अंदर खाने कोई लड़ाई नहीं होगी। जिसे टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, वैसे टिकट जो मांगता है उसका अपना निजी आधार भी होता है और पार्टी की भी मदद होती है। तो अंदर कोई लड़ाई नहीं है। अब कांग्रेस में थोड़ी सी अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता अच्छी है, तो आप आदमी अपनी बात बाहर कह देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब एक होकर चुनाव लड़ाएंगे और सरकार लाने में सब साथ दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी सामने आती है, अगर हम हरीश रावत की बात करें तो उनके बयान कुछ अलग होते हैं, अगर हम आपकी बात करें आपके बयान कुछ अलग होते हैं, तो दोनों के सुर में
कर देना, इस पर क्या मेरे तो बयान आलोचनात्मक होते ही नहीं जी। अब हरीश रावत बड़े नेता हैं, वह विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, इस समय भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं और वैसे उनको भी ये समझ है इस सरकार लाने के लिए मुझे एक स्टेज पर आकर एक मंच पर ही बोलना पड़ेगा, वो भी बोलेंगे। मतलब आप मानते हैं कि मंच अभी अलग अलग है? अलग अलग मंच का आपने देखा, उन्होंने कल कह दिया कि चुनाव के समय सब हम एक साथ दिखाई देंगे। अगर उन्होंने सीएम की तारीफ भी की है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, एक समय था कि जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर, एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की। तो जो बड़े लोग हैं वो अच्छे कार्य की सराहना करते हैं, मैं इसे कहते बुरा नहीं मानती। मतभेद की स्थिति सामने आती है बार बार, मतभेद की तमाम तरह की बयानबाजी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो ऐसे क्या कहा जाए, किस तरीके से पार्टी इस मतभेद से उभर कर प्रदेश में आ पाएगी? क्योंकि कोई मतभेद नहीं है जी। मतभेद होता है कि हम दो लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहें, मतभेद तो मतभेद किसी किस्म का नहीं है। वो क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कह देते हैं, यदि उसे न कहे तो लोगों को मतभेद भी ना पता चले। पिछले दिनों हर्ष रावत ये कह रहे थे कि आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता पे आती है तो जनता के लिए शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, बिजली फ्री कर दी जाएगी, इसका आपने प्रचार करते हुए आपने जवाब भी दिया था कि इस तरह का कोई फिलहाल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। नहीं, अब कायदे से वो तो पुराने सीनियर आदमी है, जब तक कांग्रेस के स्तर पर तय ना हो या हम सरकार में आ जाए तो हमारा बजट क्या कहता है। सपोज हम सरकार में आ जाए तो सही है, बिजली के रेट भी कम करने पड़ेंगे, पानी का भी, बिजली का भी बहुत बुरा हाल है, चार बार बढ़ चुके रेट, सुना भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये अपने फाइनेंस सेक्टर को बिठाकर, चीफ सेक्टर को बिठाकर यदि हम इतना फ्री करते हैं तो सरकार पर क्या बोझ पड़ेगा, क्या हम इसे दे देंगे ना। तो क्या कहा जाए, अब आगामी चुनाव में कांग्रेस जो है जनता के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाली, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा है इस बार? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, नया कुछ नहीं लाने वाली। इतने जिन बातों से जनता त्रस्त है, जैसे विकास प्राधिकरण, जैसे इन्होंने वो बना दिया तीर्थ पुरोहितों के हक मारकर जो संगठन किया है, ऐसी सब चीजों पर हम कह चुके हैं कि हम सत्ता में आए तो हम इनको हटा देंगे, तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध होंगे। तो मैम, कांग्रेस का रोड मैप क्या होगा, रोड मैप जो जनता तक जा पाए, जनता के लिए इफेक्टिव हो? जनता का जाएगा कि आप टूटी सड़कों पर नहीं चलेंगे, पानी से भरे गड्ढे नहीं होंगे, शिक्षा गरीब के लिए मुफ्त होगी, रोड मैप तो आपको भोजन मिलेगा और मध्यम वर्गीय के कार्ड पर भी राशन फ्री मिलेगा, तमाम रोड मैप है ऐसे। मैं कि हर साल के वादे हैं जो कि धरातल पर आने में बहुत वक्त लग जाता है, लोग सिर्फ तरसते रह जाते हैं, ऐसा है एक अच्छी सरकार के लिए। हर साल तो कोई वादे नहीं होते, जो वादा किया जाता है वो निभाना होता है, अन्यथा वो वादा नहीं करना चाहिए। विकास कैसे हुआ पूरी तरीके से, अब चुनौती दुगनी है क्योंकि कोरोना का टाइम ही चल रहा है और प्रवासी लोग भी अब घर वापस आ चुके हैं, तो ऐसे में अभी तक रोजगार एक ज्वलंत मुद्दा पहले से बना हुआ है, तो अब कांग्रेस कैसे इसे पार पा पाएगी? देखिए, ऐसा होता है जब बजट बनता है तो हर कार्य का बजट होता है। अब मैं तो मुख्यमंत्री से बात करती हूँ कि पीडब्ल्यूडी का बजट नहीं है, उस बजट को कहाँ लगा रहे हो, हर एक का बजट होता है, बजट अपने आय के स्रोत के हिसाब से बनता है, उधार देने की भी एक लिमिट तय होती है, तो उसके आधार पर जो कहा जाएगा किया जाएगा। हम जब सरकार में थे तब आपने सड़कें बनती हुई देखी, ये शहर की जो तस्वीर है ये कांग्रेस के समय में हमारी दी हुई है, मैं यहाँ की विधायक रही, तो जब ये तो तय करना पड़ता है कि आप देंगे, हमने विकास पर ही काम किया, अफवाहों पर या इस तरह की कोई बेबुनियाद बात नहीं थी जो हम नहीं कर सकते थे। हमने नहीं कहा कि हम आएंगे तो इसमें इतने हजार नौकरियां होंगी, आपको मिल जाएंगी। मैं क्या कहते हैं, कांग्रेस के पास क्या वाकई जीत का कोई फुलप्रूफ प्लान है या एंटी इनकम्बेंसी बार बार जो साथ देती है वो इस बार भी साथ देगी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो एक हिस्सा होता है, उससे केवल आप जीत नहीं सकते, प्लान से ही जीत सकते हैं। प्लान तो एक ही है, विकास। विकास ठप हो गया, जो काम हमने किए थे बंद हो गए, हमने पेंशन 60 वर्ष की उम्र का एक परिवार में यदि दो व्यक्ति हैं, महिला पुरुष को दोनों को दिया, आपने वो पेंशन बंद कर दी, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उस समय हम प्रस्तुत करेंगे यदि हम आए तो पुनः इन सबको लागू करेंगे। तो माफी में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, उसके दर्शकों से यही अनुरोध है, कांग्रेस जब भी आती विकास का कार्य करती है, जनता यदि अवसर देगी तो जो परेशानियाँ वो इस समय झेल रही हैं दूर कर देगा, हम उनसे बातचीत करके पूरा प्रयास करेंगे।
यदि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा चटर्जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता वाकई इस बार भी कांग्रेस को प्यार देगी, दुलार देगी, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में जनता किसे अपने सिर पर बैठाती है और आगामी चुनाव में किसको अपना नेता सरकार चुनती है। हार्दिक खैर छोड़िए, एक अलग मुद्दा, अलग विषय है। तो सर, जिस तरीके से हम चुनाव की बात कर रहे थे, आगामी चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, और अगर मैं बात करूं जिस तरीके से अगर हम पिछले चुनाव में गए 2017 में, तो कांग्रेस में कई नेता बागी हो गए थे, तो सर इस बार क्या लगता है 2022 के चुनाव में क्या स्थिति ऐसी बनेगी, क्या टिकट वितरण या अन्य जो समस्याएं कांग्रेस के नेताओं की है वो ना हो, वो स्थिति दोबारा लौट करना है, इसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से काम करे ताकि मतभेद थोड़ा कम हो? नहीं देखिए, ये तो हमारे जो सीनियर नेता हैं, इसमें हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, इंदिरा जी सबसे सीनियर, कुलवाद जी भी बड़े सीनियर हैं, इनको आपस में बैठाना पड़ेगा। और जो प्रभारी जी हैं और हमारे दोनों गोपाल जी और सोनिया जी, इन सबके समक्ष बैठा के एक समन्वय बैठाना पड़ेगा, क्योंकि तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, और जिस तरीके से आपने देखा कि सुमित हृदयेश का भी मैंने इंटरव्यू लिया, तो बस ये था मेरा इंटरव्यू आज का। और मैं बस इस ब्लॉग में दिखाना चाह रहे थे कि हम कैसे काम करते हैं, मींस काम कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बट जस्ट टू शो यू एन इंटरव्यू हाउ, सबको कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, अभी देखो फुल एकदम फुल पैक हूं मैं, बाय बाय।